मध्य प्रदेश के उपचुनाव के सियासी संग्राम में कांग्रेस का किला लड़ाते पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमलनाथ जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों से जिन जिन बातों को उठा रही है, मैं बिल्कुल रैपिड फायर राउंड में, वक्त कम है, आप भी पूरे चुनाव में लगे हुए हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 15 साल का शासन आपका, जो आपका 15 महीने का जो शासन है वर्सेस 15 साल का शासन, या फिर बिकाऊ टिकाऊ या गद्दार, कौन सा मुद्दा प्रभावी मानते हैं? उनके 15 साल का शासन जो था उसके बाद मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह को घर बिठाया। पिछले 7 महीने में कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोग अपनी अपनी राय, अपना फैसला बदल रहे हैं? सौदेबाजी करी, संविधान और प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया। बीजेपी के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए ये आज जनता का ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जनता का ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे आरोप भी लगा रहे हैं लगातार। जैसे उन्होंने आपके इमरती देवी पे कमेंट पर, उन्होंने आज पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है, उनका कहना है कि आपने आइटम कह दिया। जब लोकसभा में लिस्ट आती है उसमें लिखा होता है आइटम नंबर 1, विधानसभा में आती है आइटम नंबर 1। आइटम कोई दुर्भावना से, कोई असम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा, और आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे उस मौके पर नाम नहीं याद आ रहा था विधायक का, मैंने कहा वो जो यहाँ की आइटम है, आइटम का प्रयोग तो आम होता है विधानसभा में। आपने संसदीय शब्दावली को, ये तो संसद का शब्द है, ये विधानसभा में आता है। आज कोई आप प्रोग्राम देखते हैं, आज मेरा आइटम नंबर 1 ओंकारेश्वर है, तो ये क्या असम्मानित हो गया? ये मैं नहीं समझता, पर उनको कहने लायक कुछ नहीं कि किसी ना किसी तरह बैठ जाएं ताकि जनता का ध्यान मोड़ें। ये उनका एक ही लक्ष्य है, आज जनता के सामने जाएं, हिसाब किताब दें अपने 15 साल का, अपने 7 महीनों का, कितना मुआवजा दिया आपने, कितना कर्जा माफ़ किया, कितनों को रोज़गार दिया पिछले 7 महीनों में। सौदेबाजी और बोली बोल के सरकार बना ली, गद्दारी हुई, ये क्या जनता मध्य प्रदेश की मूर्ख समझते हैं? वो ये भी कहते हैं आप कमलनाथ जी तो कोक पीते हैं। अगर मैं कोक पीना बंद कर दूं तो क्या रोजगार बन जाएंगे? अगर मैं कोक पीना बंद दूं, जो ये बलात्कार हो रहे हैं, मल्याओं पर अत्याचार हो रहा है, ये बंद हो जाएगा? ये इनके पास अब कहने लायक बात नहीं कि कमलनाथ कोक पीते हैं क्या। हाँ, मैं पीता हूँ और पीऊंगा, क्या खराबी है कोक में? एक बार बताइए, शिवराज जी एक गाना गा रहे हैं मंचों से कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओ? देखिए, शिवराज सिंह जी एक्टर हैं, उनको बम्बई जाना चाहिए, शाहरुख खान को भी वो नीचा दिखा दें, सलमान खान को भी नीचा दिखा दें, एक्टिंग करें, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। यहाँ इन्होंने इतने साल एक्टिंग करी, अब उनकी एक्टिंग समझ आ गई है लोगों को। उनका कर्ज माफ़ी को लेकर उनका कहना है कि 10 दिन का वादा खुद राहुल गांधी कर गए थे, लेकिन अभी तक हुई नहीं पूरी तरीके से। हालांकि उनके कृषि मंत्री खुद भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ कर्ज माफ़ हुआ भी है। शिवराज सिंह जी इतने नालायक नहीं है, मैं नहीं कह रहा नालायक है, कहीं और मुझे कह दिया नालायक है, इतने नालायक नहीं है कि वो समझें कि 10 दिन में हो सकता है प्रदेश के लाखों किसानों का कर्जा माफ। हमने कहा था हम फैसला करें, हमने फैसला किया, मैंने पहले दिन फाइल में साइन किया, और अब तो बीजेपी सरकार ने खुद विधानसभा के पटल पर रख दिया है कि हमने लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। शिवराज जी के इतने महीनों का झूठ अब पकड़ा गया। हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कमल हियर, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस, लाइक एंड सब्सक्राइब द इंडिया टुडे यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।